बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होप डैट यू आर वेरी फाइन एट योर होम। दिस इज़ जवेरिया, योर नर्सरी क्लास टीचर। ओके, दिस इज़ योर साइंस पीरियड। आपका साइंस का पीरियड है ये, और साइंस सब्जेक्ट हमारा मैथ्स के साथ अटैच है, ठीक है? मैथ्स की वर्कबुक में हमारा साइंस का पेज है, ठीक है? साइंस का सेक्शन भी है। So open page number 50. This is your science section, midterm, week 1, day 2 में हम पढ़ेंगे आज, ठीक है? Open page number 51. But before that, बिल्कुल भी भूलना नहीं है हमें कि हमें इल्म इजाफी की दुआ ज़रूर पढ़नी है। Raise your hands for dua. रबी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन। सो कम टू योर वर्क, अपने काम पे वापस आते हैं। और टुडेज टॉपिक इज़, आज का क्या टॉपिक है साइंस का? यूजेस ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, डू यू नो वाटर किसे कहते हैं? यस, एवरीवन नोज दैट वाटर हम कहते हैं पानी को, ठीक है? जब आप स्कूल आते हैं तो आप कहते हैं टीचर से, टीचर मे आई ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ठीक है? आपने पानी पीना होता है तो आप टीचर से पूछ के जाते हैं, परमिशन लेके जाते हैं, ठीक है? तो एवरी वन नोज के क्या कहते हैं वाटर, पानी को कहते हैं, ठीक है? आज हमने साइंस में क्या पढ़ना है? यूजेस ऑफ वाटर। यूजेस कहते हैं इस्तेमाल करने को, ठीक है? पानी हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, पानी हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सो हम आज पानी के बारे में पढ़ेंगे कि हम पानी से क्या क्या करते हैं, पानी के क्या क्या यूज़ हैं, पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, सही है? सो लुक एट हेयर, यूज़ ऑफ वाटर वन। वन यूज़ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? बाथिंग एंड क्लीनिंग। बातें किसे कहते हैं? नहाने को, यस, एंड क्लीनिंग, सफाई करने को, ठीक है? जब भी हम नहाएंगे या कुछ भी सफाई करेंगे तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? पानी की। वेरी नाइस, पानी के बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, सो पानी तो बहुत ज़रूरी है नहाने के लिए और किसी भी चीज़ को साफ़ करने के लिए। सो यूज़ नंबर वन क्या है इसका? बाथिंग एंड क्लीनिंग। एज यू कैन सी दैट कि यहाँ पर एक बच्चा जो है वो क्या कर रहा है? बाथिंग कर रहा है, नहा रहा है, ठीक है? सो स्टूडेंट, दिस इज़ द सेकेंड यूज़ ऑफ वाटर, ठीक है? कुकिंग में हमें किस चीज़ की नीड होती है? वाटर की, पानी की। इवन किचन में हम कुछ भी करेंगे जाकर तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? पानी की। अगर हमने डिशेस वॉश करनी है, अगर हमने किचन में क्लीनिंग करनी है कोई सी भी, तो हर चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए होगा? वाटर चाहिए होगा। वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हर चीज़ के लिए हमें वाटर बहुत ज़रूरी है। कम टू द नंबर थ्री पॉइंट। नंबर थ्री पे हमने क्या है? ड्रिंकिंग। विच पिक्चर इज़ दिस? ड्रिंकिंग। यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा? ड्रिंक कर रहा है, ड्रिंकिंग। जैसे आप पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, सो वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। वाटर हमारे लिए, हमारी, हमें ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है वाटर। अगर हमें प्यास लगती है और हम पानी नहीं पीते तो हमें अच्छा फील नहीं होता ना। जब हमें बहुत प्यास लगती है तो हमारा दिल चाहता है, अगर हम, आप कभी मम्मा के साथ बाहर गए हैं और वहाँ पे आपको पानी नहीं मिल रहा तो आपको कितनी प्यास लगती है ना, कि बस जल्दी से पानी मिले और आप पिए। तो पानी के बगैर हम ज़िंदा भी नहीं रह सकते अगर हम पानी नहीं पियेंगे। तो हमारे ज़िंदा रहने के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? कम टू नंबर फोर, स्विमिंग। ओ, दिस इज़ द फोर्थ यूज़ ऑफ वाटर। ये क्या है? वाटर में हम स्विमिंग करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वाटर की, ठीक है? तो ये इसका फोर्थ पार्ट है। दोबारा से हम देखते हैं यूजेस ऑफ वाटर क्या क्या है हमारे पास। बाथिंग एंड क्लीनिंग। रिपीट आफ्टर मी, बाथिंग एंड क्लीनिंग।
बातिंग किसे कहते हैं? नहाने को एंड क्लीनिंग और साफ सफाई करने को, ठीक है? ये इसका पहला यूज़ है वाटर का. सेकेंड कुकिंग. व्हाट इज़ दिस? कुकिंग. सेकेंड यूज़ क्या है वाटर का? कुकिंग. थर्ड यूज़ क्या है वाटर का? ड्रिंकिंग. व्हाट इज़ दिस? ड्रिंकिंग. वेरी नाइस. कम टू नंबर फोर. व्हाट इज़ दिस? स्विमिंग. नेक्स्ट यूज ऑफ वाटर इज़ स्विमिंग. सो स्टूडेंट, वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस. आज हमने साइंस में पढ़ा है कि वाटर बहुत ज़रूरी होता है, पानी हमारे लिए, हमें ज़िंदा रखने के लिए, ठीक है? किसी भी काम के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है. और आपको मैं एक और बात बताऊँ, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी वेस्टेज नहीं करना चाहिए. हमें जितनी पानी की नीड होगी, जितने पानी की ज़रूरत होगी, हमें बस उतना ही पानी इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है? अब आप कभी आप जब जाते हो वॉशरूम, वॉश हैंड्स वॉश करने, तो आपने क्या करना है? टैप को ऑफ कर देना है. जब आप सोप लगा रहे हैं, आपने उसको खोल के नहीं रखना वेस्टेज करने के लिए, ठीक है? तो हमें पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, ये एक नेमत है अल्लाह ताला की, ठीक है? अगर हम पानी ज़ाया कर देंगे तो पानी की कमी हो जाएगी, और आपको पता है पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ठीक है? सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. साइंस का यही आज टॉपिक था आपका, और सबको बहुत अच्छे से समझ आया है ना? वेरी नाइस. सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.